हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पांच आसान उपाय, प्रेगनेंसी टिप्स। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो प्रेगनेंसी टिप्स जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद करेंगी। आजकल के बदलते हुए लाइफस्टाइल के कारण प्रेग्नेंट लेडी के लिए बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म देना और भी मुश्किल भरा हो गया है। प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से ही हो, पर कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी का सबसे पहला फायदा तो ये है कि महिला को रिकवर होने में अधिक समय नहीं लगता। पर सिजेरियन डिलीवरी के बाद माँ को काफी वक्त तक अपना ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो यहाँ बताए हुए उपायों को अपनाकर नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी दो तरीके से हो सकती है, एक तो सिजेरियन और दूसरी नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल तरीके से डिलीवरी होने पर माँ जल्दी स्वस्थ हो जाती है और ऑपरेशन से डिलीवरी होने के बाद माँ को रिकवर करने में अधिक समय लगता है। गर्भ ठहरने के बाद अगर महिला सिर्फ आराम करती है तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावना कम हो जाती है। अब जान लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या सिम्टम्स हैं। गर्भ अवस्था के समय महिला के दिमाग में हर समय यही चलता रहता है कि क्या उसका बच्चा स्वस्थ है और क्या उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकेगी। ऐसे कोई लक्षण नहीं है जिससे आप ये जान सके कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, पर अगर आप नियमित डॉक्टर से संपर्क में हैं तो वो महिला और बच्चे के स्वास्थ्य को देखकर कुछ संकेत दे सकते हैं कि आपकी डिलीवरी किस तरीके से होगी। चलिए अब जान लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या उपाय हैं। किसी महिला को जैसे ही ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तुरंत ही किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर जांच करवानी चाहिए और गर्भ अवस्था के दौरान नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। डिलीवरी के दौरान महिला को काफी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखे ताकि डिलीवरी अगर नॉर्मल तरीके से हो तो तकलीफ कम हो। प्रेगनेंसी टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी। जन्म लेने वाला बच्चा तभी स्वस्थ होगा जब माँ स्वस्थ होगी। प्रेगनेंसी के समय अगर आपको कोई भी रोग के लक्षण देखते हैं तो डॉक्टर की सलाह से जल्दी इलाज कराएं। लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा। इस समय शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करवाते रहें और अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। प्रेग्नेंट वुमेन को नॉर्मल डिलीवरी के लिए शारीरिक रूप से चुस्त रहना चाहिए। खुद को एक्टिव रखने के लिए चलना फिरना एक अच्छा उपाय है, इससे बच्चा पेट में हलचल करता है और उसे आराम मिलता है। प्रेग्नेंट लेडी की डाइट में विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा अधिक रखें। इसके लिए ताज़ा फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए और साथ ही सही समय पर खाना भी बहुत जरूरी है। गर्भ अवस्था के दौरान शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पांच क्या क्या आसान उपाय हैं जो आपको प्रेगनेंसी में फॉलो करने चाहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।